पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, सेम टू सेम उसी तरीके से है। माना जाता है कि पुरी में जगन्नाथ जी मंदिर को बनाने वाले कारीगर यही है। और यहाँ से प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ से प्रकृति का अनुपम नज़ारा देख सकते हो गाइस। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग और चिरमिरी को यूं ही नहीं कहा जाता। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ का अजूबा हिल स्टेशन चिरमिरी, जिसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग भी कहा जाता है। और चिरमिरी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है और यहाँ बहुत सारे घूमने लायक प्लेस है। मैं आप लोग को एक एक करके सभी को दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित चिरमिरी बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है और चिरमिरी भारत की उन खास जगहों में से एक है जिसको प्रकृति का ढेर सारा प्यार मिला। फिर चाहे वो दूर तक फैली हरियाली हो या फिर अनगिनत झरनों का सुख, चिरमिरी में ये सारी चीजें आपको खूब मिलेगी। समुद्र तल से लगभग 579 मीटर की ऊंचाई में स्थित यह हिल स्टेशन छत्तीसगढ़ वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। गर्मियों की कड़ी धूप में यह हिल स्टेशन छत्तीसगढ़ वालों के लिए किसी ठंडे साय से कम नहीं। महानदी के सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी हसदेव नदी के किनारे में बसा यह चिरमिरी हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा से भरपूर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चिरमिरी में प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ भरपूर मात्रा में कोयले का खदान भी पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को घने जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बने रास्ते से होके चिरमिरी की ओर ले चलता हूँ और खूबसूरत वादियों का दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों चिरमिरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मंदिर की ओर। दोस्तों अगर आप चिरमिरी आए तो यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ आना ना भूले। बहुत ही शानदार मंदिर है। भगवान जगन्नाथ जी का पुरी में जिस तरीके से मंदिर है, सेम उसी प्रकार से यहाँ मंदिर है। आप लोग को दर्शन कराते हैं अंदर में जाके, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग कार को ही पास पार्क किए हुए हैं और यहाँ पास है गेट, प्रवेश द्वार, और वो है मंदिर। अंदर जाते हैं। और
और ये देख सकते हो मंदिर का बाहर का नज़ारा किस तरीके से है। तो अब अंदर आप लोग को ले चलता हूँ मंदिर के अंदर, और देखते हैं आप लोग को दर्शन कराते हैं भगवान जी का। जय भगवान जगन्नाथ। और देख सकते हो और आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं। और ये है गरुड़ स्तंभ, इसमें प्रणाम करके जाना चाहिए भगवान जी को दर्शन करने के लिए। और देख सकते हो ये है बाहर का व्यू, और इधर भी भगवान शंकर भगवान जी का मंदिर है। एकदम शांतिमय वातावरण है गाइस। पूरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, वैसे ही सेम टू सेम है। और दोस्तों देख सकते हो ये है चिरमरी का माहौल किस तरीके से है, मौसम पूरा खराब हो रहा है। दोस्तों यहाँ पास लोग फोटोशूट के लिए रुके हुए हैं, मेरे अपना कार आए हैं सब लोग। हेलो। और वहाँ पास बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो पुलिस स्टेशन चिरमिरी का। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक बेहद ही खूबसूरत जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात जो कि पड़ता है। हम लोग आ रहे थे अभी चिरमिरी साइड से, चिरमिरी घूमने के लिए आए थे। चिरमिरी हिल्स है जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है छत्तीसगढ़ का, और बहुत ही खूबसूरत वादियों वाला जगह है। तो वही से लगा हुआ है अमृतधारा जलप्रपात जो कि पड़ता है मनेन्द्रगढ़ इसका विकासखंड, और जिला है कोरिया जिला, कोरिया जिला के अंतर्गत आता है। और हम लोग आगे जाके दिखाने वाले हैं अमृतधारा जलप्रपात किस तरीके से है, और वहां जाके नहाने वाले भी हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिएगा इस चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर जाने वाले हैं, और यहाँ पास दुकान है चिप्स वगैरह का, नाश्ता वगैरह का, यहाँ पर आप खरीद सकते हो आप लोग आओगे तो। क्या क्या बना है अभी सुबह सुबह का समय, इसलिए अभी कुछ नहीं बना है। बस पूरा जाइए या तो ज्यादा दे के जाइए तो मैं छोड़ भी दूंगी। ऐसा आके देंगे आके। और अब आगे की ओर जाके देखने वाले हैं, और ये जो इसका झरना है जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर प्राकृतिक जलप्रपात बनता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और आगे की ओर है गाइस जलप्रपात जो है वाटरफॉल, वही जाने वाले हैं, जाके दिखाते हैं किस तरीके से है जो है। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गाइस, हमारे धमतरी जिले से ये लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है। और हम लोग का प्लान जो है नाइट में ही बना था, और हम लोग सुबह पहुँच गए नाइट में, करीबन 11:30-12 बजे आसपास निकले हैं और अभी पहुँच गए हैं रुकते रुकते चाय नाश्ता करते हुए, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा नींद आता है गाड़ी वगैरह चलाओ तो। और ये हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है।
यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गाइस देख सकते हो। अगर आप चिरमिरी घूमने आ रहे हो तो यहाँ एक बार जरूर आइएगा, बहुत ही शानदार प्लेस है घूमने के लिए। और यहाँ से पानी किस तरीके से गिर रहा है नीचे से, और इसे और ये वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक है भी कहा जाता है गाइस, देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। और यह है बटरफ्लाई पार्क, और यहाँ बहुत सारे पार्क है ऐसे ही घूमने के लिए। अच्छा बटरफ्लाई पार्क है, गए थे तो इतनी अच्छे वहाँ पार्क है। तो दोस्तों यहाँ अमृतधारा जलप्रपात के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ हम लोग दर्शन करके आते हैं, आप लोग भी आइएगा तो दर्शन जरूर कीजिएगा एक बार। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।